हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज सर फिर से एक बार आप लोगों के बीच आया हूँ। तो कुछ बच्चे लोग का कमेंट आ रहे थे और बोल रहे थे, सर एक वीडियो बनाइए ना, बायोलॉजी पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। और ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कि बायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट बाबू कोई ख़राब नहीं होती, सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है क्या। लेकिन अब देखिए, बायोलॉजी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ बायोलॉजी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कैसे, और मैं बताता हूँ। अगर हम ह्यूमन हैं, हम मानव हैं, और अपने बॉडी के बारे में हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। अरे ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज बनाया तो वह इंसान, और हम लोग हैं इंसान हैं। लेकिन मेरे पास पेड़ पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, इंसेक्ट्स बॉडी के बारे में, हाँ कीट पतंगों के बारे में, इस धरती पर जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हमसे मूर्ख कौन हो सकता है। जब हम ह्यूमन होकर के, मानव होकर के, मनुष्य होकर के, और मनुष्य के बारे में ही नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है क्या। तो हमें ज्ञान कब होगी, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब तो हमको ज्ञान होगा। अगर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं तो वो ज्ञान कहाँ से होगा बायोलॉजी का। यहाँ तो 10 तक लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही 3 सब्जेक्ट चलते हैं लगभग। बट आगे जाने के बाद मैट्रिक जैसे ही हम क्वालिफाइज करते हैं, उसके बाद जब हम इंटर में सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो उस समय कोई आर्ट्स करवा लेते हैं, कोई कॉमर्स करवा लेते हैं, कोई मैथ से करवा लेते हैं, बस बायोलॉजी से भेंट हुई नहीं। फिर हमको मनुष्य रहने का कोई अधिकार नहीं। जब हम जानेंगे नहीं अपने शरीर के बारे में, पशु के बारे में, पक्षियों के बारे में, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास क्या ज्ञान है। कुछ भी नहीं ज्ञान है बाबू, सिर्फ बस यही तो है, एक ही बात तुमको पढ़ना है। जब से जन्म लिया तब से मैथ 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 मैथ। ये मैं नहीं कहता कि मैथ खराब चीज है, बुरी चीज है, मैथ मैथ नहीं पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, लेकिन जितना मैथ पढ़ना आवश्यक है उससे कई गुना ज्यादा बायोलॉजी पढ़ना आवश्यक। कैसे, बस सिर्फ हम इतना ही जानते ही, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, बस हो गई लाइफ खत्म, इसी में लाइफ खत्म हो गया। किसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इसी में लाइफ खत्म। लेकिन नहीं बाबू, इससे आपका लाइफ चलने वाला नहीं है। अगर ज्ञानी बनना है, नॉलेज प्राप्त करना है, तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। आखिर में हम लोग इतने रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी हाथ में नहीं है कि अपना से हम स्वस्थ और अस्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान रहे, तो हम सचेत हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है तो उसको रोका भी जा सकता है, जानकारी रहेगा तब तो। अगर कोई बीमारी स्टार्ट है मेरे पास और मुझे नॉलेज है, मुझे पता चल गया है उसके बारे में, हम जानते हैं, तो खुद से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है समय पर। तो बाबू ज्ञानी बनना है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, ये तो बताएं कि बायोलॉजी से क्या बाबू,
क्या फायदे हैं? एक फायदे ये भी है बाबू कि मान गए अगर एक लड़का बायोलॉजी पढ़ा, दूसरा लड़का मैथ्स एडमिशन करवाया, अब देखते हैं बायोलॉजी वाला भी मेहनत किया और जॉब का प्रिपरेशन किया, कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन का तैयारी किया, और मैथ वाले भी किया। अब दोनों में से कोई बच्चे को जॉब नहीं होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, न मैथ वाले को न बायो वाले। तो अब देखिए, अब जो है क्या होती है, अगर जॉब दोनों में से कोई को नहीं हो रहा है तो नीट का एग्जाम जो है, नीट का एग्जाम कौन दे सकता है? बायोलॉजी वाला, मैथ वाला नहीं दे सकते हैं। दूसरी नंबर बात, अगर नीट के एग्जाम नहीं निकलती है तो पैसे खर्च करके, ठीक है, खुद से भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं और करके खुद का अल्ट्रासाउंड, खुद का ब्लड टेस्टिंग, खुद का नर्सिंग होम, खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं।